हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप सभी को FCI की वैकेंसी के बारे में, जिसका वैकेंसी का डिटेल्स दे सकते हैं या FCI का ऑफिशियल वेबसाइट जिसमें दो वैकेंसी के जिक्र किया गया है। कैटेगरी 4 का ये वैकेंसी है। यहाँ पे करंट रिक्वायरमेंट फॉर कैटेगरी 4, यहाँ पे फर्स्ट रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं, बोला गया है कि फॉर द पोस्ट ऑफ वॉच एंड वार्ड एज पर द नोटिफिकेशन 01/2021 पंजाब। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप सभी को डिटेल्स पूरा क्लियरली मिल जाएगा। उसके बाद सेकेंड वैकेंसी है जिसमें बताया गया है कि रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ वॉचमैन एज पर नोटिफिकेशन 01/2021 हरियाणा। प्लीज़ क्लिक यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे कैंडिडेट, यहाँ पे जो भी होगा, कैंडिडेट हु आर नॉट एबल टू जनरेट एडमिट कार्ड ऑनलाइन लिस्ट 1 वीक बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन डे शुड कॉन्टेक्ट। अगर इस एप्लीकेशन को भरने के बाद आप सभी का एडमिट कार्ड 1 वीक के अंदर में, एग्ज़ाम से 1 वीक के अंदर में अगर नहीं मिलता है, तो आप इस ईमेल आईडी पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बारे में बताया। अब बात है कि इसका टोटल वैकेंसी कितना है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है और किस तरह अप्लाई करना है, पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये है वॉचमैन हरियाणा का नोटिफिकेशन जो FCI के तरफ से निकाला गया है। काफ़ी धुंधला है, दिख नहीं होगा, पर मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट में इस एप्लीकेशन, इस वैकेंसी के बारे में पूरा जिक्र किया गया है। टोटल वैकेंसी 380 वैकेंसी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और जिसमें से OBC के लिए 102 वैकेंसी रखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ST के लिए 0 वैकेंसी है, SC के लिए 72 वैकेंसी है, और यहाँ पे जनरल के लिए 168 वैकेंसी, और EWS के लिए 38 वैकेंसी रखी गई है, और बाकी PWD कैंडिडेट को रखा गया है। तो यहाँ पे टोटल सैलरी की बात की जाए तो 23,364 का यहाँ पे पे स्केल आपको दिखाया जा रहा है पैटर्न के हिसाब से, और मिनिमम एज दिया हुआ है 18 ईयर यानी 18 साल, और मैक्सिमम 25 साल का यहाँ पे रखा गया है एज़ पर नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस है, ये sarkaririzult.com पर भी देखने को आपको मिलेगा, वहीं से डाउनलोड करके आपको बता रहा हूँ। अब बारी है कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाला है। तो एप्लीकेशन ऑनलाइन जो होने वाला है, कमेंट से आपका होने वाला है 20/10/2021 से, यानी इस महीने के 20 तारीख से स्टार्ट होगा सुबह 10 बजे से, और इसका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 19/11/2021, जो कि 24 यानी 12 बजे रात तक यहाँ पे होगा। 19/11 यानी करीबन एक महीना, टोटल यहाँ पे करीबन एक महीना चलने वाला इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं ऑनलाइन। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगेगा, तो इसका एप्लीकेशन फ़ीस इस नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं किया गया है, पर यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ये sarkaririzult के आएंगे तो आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन कब आया था, ये 15 अक्टूबर को यहाँ पे पब्लिश किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे वही डिटेल्स मेंशन की गई है। टोटल एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो टोटल 250 यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है, जो कि यहाँ पे ST SC और PH कैंडिडेट के लिए 0 रुपीस है, और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 0 रुपीस है, जो कि ऑल इंडिया बेसिस पे वैकेंसी रखी गई है। और यहाँ पे आप सभी का FCI हरियाणा वॉचमैन रिक्वायरमेंट आगे बता चुका हूँ, 380 वैकेंसी है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन रहने वाला है टोटल पास, 8 पास अगर आप है तो इसमें अप्लाई कर सकते हो, और जनरल कैंडिडेट के लिए 168 बोला था, OBC के लिए 102, 72 है, SC के लिए, EWS के लिए 38 है, टोटल 380 है। ST को छोड़ कर सभी में वैकेंसी को रखा गया है 20 से लेकर 20/10/2021 यानी 20 अक्टूबर 2021 को एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, और 19/11/2021 को इसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन ऑनलाइन भरने का। इसमें फ़ोटो, साइन, ID प्रूफ सभी को अपलोड करना होगा, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं। यहाँ पे इसका शॉर्ट नोटिस ही जारी किया गया है, यहाँ पे ऑफिशियल साइट का लिंक भी दिया गया है। ऑफिशियल साइट का लिंक जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो वैकेंसी के बारे में आपको दिख जाएगा, पहला है यहाँ पे पंजाब का, दूसरा है हरियाणा का। तो यही था, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया, तो चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।